ये है मेरा बनाया हुआ तखजीस कैसल का मल्टीप्लेयर गेम जो। अरे वाह सर, गेम्स ऑफ वैभव आपका ही चैनल है? हाँ हाँ, कोर्ट में मिलते हैं। यह मेरा बनाया हुआ तखजीस कैसल के 100 किलोमीटर दूर गणेश नगर वाला मल्टीप्लेयर गेम। एंड ये गेम मैंने एक ही पर्पस से बनाया है, प्लेयर की एसी की तेजी करना। So let's make the game। वो तो ठीक है भाई, बड़ा भाई ऐसे झुकी क्यों खड़े हो? ऐसे 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 झुकी क्यों खड़े हो? अरे अरे, तो पानी गिर गया था सच में। अरे भाई सच में पानी गिर गया था। अरे भाई भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, विश्वास करो मेरा। आई थिंक हमें गेम बनाना चालू कर देना चाहिए। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के मिले स्किबिडी बूम बेबी के बाद कोई और गेम पब्लिश किया हो जिसमें मैं प्लेयर को तड़पता हुआ देख सकूं। सो मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना प्लेयर की जगह प्लेयर्स की ऐसी की तैसी की जाए। एंड ऐसा करने के लिए हमें गेम के लिए हार्ड चैलेंजेस ढूंढने होंगे। एंड अभी के टाइम में मुझे सिर्फ 3 गेम चैलेंजेस पता है जो कि बहुत ही हार्ड चैलेंजेस है एंड जिसमें हम गेम भी बना सकते हैं। पहला है तखजीस कैसल, ये मेरा फेवरेट शो है। एंड ये शो बहुत पुराना है, जब मैं बचपन में देखा करता था। एंड जिनको पता नहीं है, इस शो के चैलेंजेस भी बहुत हार्ड है। जहाँ तक मुझे पता है, इस शो का फाइनल राउंड सिर्फ 1-2 बार ही जीता गया है। हाँ, अमेज़न प्राइम पे अभी इसका नया सीजन भी आने वाला है। दूसरा है निंजा वॉरियर। एंड इस शो को तुम में से ऑलरेडी बहुत लोगों ने देखा होगा। एंड आई डोंट नो कि तुम में से अभी कितने लोगों को इस शो के बारे में पता है या नहीं। इस शो के चैलेंजेस भी बहुत हार्ड है, आई मीन बहुत ही हार्ड। एंड तीसरा है स्क्विड गेम, जिसपे मैंने ऑलरेडी एक गेम बना के रखा है जो एक्चुअली डेड हो चुका है। एंड तुम्हें अगर पता ना हो तो स्क्विड गेम में से बहुत से गेम्स थे जो तखजीस कैसल में भी थे, लाइक रेड लाइट, ग्रीन लाइट एंड ए ग्लास वाला लेवल। सो इसका मतलब हम भी तखजीस कैसल जैसा गेम बना सकते हैं, गणेश नगर वाले तखजीस कैसल जैसा गेम बना सकते हैं। सो मैंने यूनिटी यूआरपी में नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया। एंड हमेशा की तरह ये प्रोजेक्ट भी अभी पूरा खाली है, बिल्कुल इसके दिमाग जैसा। सो ये एक मल्टीप्लेयर गेम होने वाला है, तो हमें सबसे पहले चाहिए प्लेयर, मल्टीप्लेयर भाड़। एंड यूनिटी में प्लेयर बनाने से पहले हमें चाहिए कैरेक्टर का 3D मॉडल। साला मैं कितने भी मॉडल्स बना लूं, सब एक जैसे ही दिखते हैं। कोई बात नहीं, हम इस बार कुछ यूनिक करेंगे जो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। हम इस चमड़े की मुंह की पुताई करेंगे। सो सबसे पहले हम बनाएंगे नाक। ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। अगर इसको थोड़ा सा ऐसा, ओह ये फेस कैसा है? ना। तू आता शांत पडून राहा। अरे काय करू, तुला काही होणार नाही। ये फेस ठीक है। अरे वाह, कितना ज्यादा खेबड़ा लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। ये होता है मास्टर शीट। पीस। नाउ गेम में आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम में से कोई RTX 3060 या फिर कोई उससे भी अच्छा ग्राफिक कार्ड ऑन करता है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है। What if I tell you कि तुम अपने इस महंगे GPU से हर महीने $40 से लेकर $200 तक कमा सकते हो, वो भी बिना कुछ किए। Yes, it's possible with our today's video sponsor सलाद। सलाद एक ऐसी कंप्यूटर कम्युनिटी है जहाँ से वो तुम्हें तुम्हारे बहुत ही महंगे PC सेटअप में किए गए खर्चे में से कुछ अमाउंट तुम्हें वापस अर्न करके दे सकते हैं। अगर तुम्हारे पास RTX 3060 या फिर उससे भी अच्छा कोई ग्राफिक कार्ड है तो तुम इजीली सलाद के पावर यूजर बन जाओगे। बस तुम्हें अपनी GPU की पावर से बड़े प्रोजेक्ट्स के प्रोसेसिंग में मदद करनी है, लाइक AI प्रोसेसिंग। सो व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग एनी गेम, जस्ट ओपन द सलाद ऐप एंड बिकम अ सलाद चीफ। एंड बिना कुछ भी करे जस्ट मेक सम रिवॉर्ड्स। एंड तुम्हारे कंप्यूटर के हार्डवर्क के लिए सलाद तुम्हें ढेर सारे रिवॉर्ड्स भी देगा, लाइक गेम्स, गिफ्ट कार्ड्स, गेमिंग हार्डवेयर एंड और भी अमेजिंग एपिक लूट। सो डोंट मिस आउट द इजी रिवॉर्ड्स, चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन एंड गेट स्टार्टेड विद सलाद। एंड मेरा कूपन कोड वैभव यूज करो जिससे तुम्हारी अर्निंग दोगुना हो जाएगी। एंड थैंक यू सलाद फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। सो मॉडल तो रेडी हो गया है, अब एनिमेशंस।
सो मैंने प्लेयर के मॉडल को एनिमेशन के साथ यूनिटी में डाल दिया है एंड अभी हमें प्लेयर को कोडिंग करके फंक्शनल बनाना होगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में मल्टीप्लेयर इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि अगर हम आधे गेम के बाद मल्टीप्लेयर को इंप्लीमेंट करेंगे तो मेरे ऐसी की तैसी हो जाएगी। सो मैं नेटवर्किंग के लिए फिशनेट यूज कर रहा हूँ एंड ये पैकेज भी ऐसे स्टोर पर बिल्कुल फ्री है, तो तुम लोग भी इसको यूज कर सकते हो। तो अभी हमें प्लेयर की मूवमेंट बनानी होगी। तो प्लेयर की प्लेयर मूवमेंट तो हो गई है एंड मैंने इस बार एक्टिव रिजिड बॉडी की मूवमेंट डाली है ताकि प्लेयर ऑब्स्टिकल्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। नाउ लेट्स मेक द लेवल्स एंड तकशीस कैसल में ऐसे बहुत सारे लेवल्स हैं जो रियल लाइफ गेम्स भी है। रियल लाइफ से मेरा मतलब है स्कूल में खेले जाने वाले गेम्स एंड किसी बड़े मेले में खेलने जाने वाले गेम्स। सो हम इन गेम्स को इंस्पिरेशन लेके अपने गेम्स में डाल सकते हैं। कितने मस्त बहाने बनाता हूँ ना मैं। सो हम सबसे पहले लेवल बनाएंगे रोलर्स की, आई मीन रोलर्स जैसी। ये सेम लेवल तुम्हें निंजा वॉरियर में भी मिल जाएगी। सो रोलर्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेवल डिजाइन करनी होगी एंड सिंस ये लेवल मुझे बहुत इजी दिख रही थी तो मुझे लगा कि ये लेवल सिर्फ 2 घंटे में बन जानी चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ बे। मुझे 2 दिन से ज्यादा लग गए सिर्फ ये लेवल डिसाइड करने के लिए। नाउ सिंस मुझे इस लेवल को डिजाइन करने के लिए 2 दिन से ज्यादा लग गए, तो अगर तुम में से किसी ने भी इस लेवल के बारे में कुछ भी बोला तो भाई कुछ मत बोलना, मैंने बहुत मेहनत की। सो इस लेवल में मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट्स ही रखे हैं ताकि लेवल क्लासिक दिखे एंड बस इसमें थोड़े से वॉल्स हैं एंड ग्राउंड है जो मैंने प्रो बिल्डर से बनाया है। और ये नहीं बोलने वाला, मैं टेंशन मत लो। सो अभी हमें ऐड करने होंगे जो चीज पहले से बनी हुई है उसको फिर से क्यों बनाना एंड अभी भी ये सीन थोड़ा खाली खाली लग रहा है, इसको हम और भी थोड़ा अच्छा बना सकते हैं और एलिमेंट्स डाल के, लाइक वाटर यानी कि जल। मेरे पास ऑलरेडी एक वाटर का शेडर है जो मैंने ब्लैकिस के ट्यूटोरियल से बनाया था, जो कि सिंपल वाटर शेडर है, बट मुझे इससे भी अच्छा वाटर शेडर चाहिए जो कि और भी ज्यादा स्टाइलाइज्ड हो। एंड अगर तुम इंटरनेट पर ढूंढोगे तो तुम्हें बहुत सारे वाटर शेडर्स के एसेट्स मिल जाएंगे, बट मुझे लकीली वाटर शेडर का एक प्रॉपर गाइड मिला जिससे हम अपना खुद का वाटर शेडर बना सकते हैं। सो मैंने इस वाटर शेडर के सारे स्टेप्स फॉलो किए एंड यह हमारा खुद का वाटर शेडर रेडी है एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। ऑल थैंक्स टू जी फॉर गॉन जिसने इस वाटर शेडर का गाइड बनाया। अगर तुम्हें ये वाटर शेडर चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स ऐड द रोलर्स एंड मैंने रोलर्स के लिए ब्लेंडर में 3D मॉडल बनाया है। सिंस हमारे रोलर्स वाले लेवल फिजिक्स बेस्ड है तो मैंने इस रोलर का डिजाइन भी स्पाइरल रखा है एंड जिनको फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है वो इस रोलर की वैल्यू नहीं समझ पाएगा। वैसे इसकी वैल्यू क्या है मुझे भी नहीं पता, बट मुझे जबरदस्ती दूसरे रोलर्स यूज करने पड़ेंगे एंड ये तुम भी जानते हो क्यों। भाई देखो अगर तुम फिजिक्स के बारे में पूछने आए हो तो मैं पहले बता दूं कि मैं नहीं अच्छे है। सो मैंने इन रोलर्स को यूनिटी में डाल दिया है एंड मैंने इसको सर्वर के साथ सिंक भी कर दिया है ताकि सभी प्लेयर्स में इसकी मूवमेंट सेम हो। एंड पता नहीं क्यों बट ये लेवल मुझे इजी लग रही है, शायद मेरे से एक ही बार में पार हो जाएगी। ओके मैं गलत था, ये लेवल नहीं होगा तुम लोगों से। सिंस ये लेवल फिजिक्स बेस्ड है तो तुम लोग एक रोलर पे ज्यादा टाइम तक खड़े नहीं रह पाओगे एंड तुम्हें इस रोलर से जाने के लिए तुम्हें इसके ठीक सेंटर में जंप करना होगा, नहीं तो रिस्टार्ट। प्लस अगर तुम्हारे रोलर पे तुम्हारा चेमड़ा दोस्त भी आ गया तो भी तुम नीचे गिर जाओगे एंड शायद तुम्हें ऊपर चढ़ने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड तुम्हें इस लेवल को क्लियर करने के लिए बस एंड तक पहुंचना है, उसके बाद तुम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। सो रोलर्स के लिए अभी इतना बस है एंड नेक्स्ट लेवल हम बनाएंगे हनीकॉम्ब जैसी लेवल, एके डोर मेज। ये लेवल हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर है बिकॉज ये थोड़ी सी फनी भी है। सो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले डोर, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी ब्लेंडर में 3D मॉडल बना दिया है। देखो मैं 3 पत्ती नहीं खेलता बट ये अच्छा दिख रहा था तो मैं डाल दिया। ये हार्ड का डोर इतना अश्लील क्यों दिख रहा है बे? अब सही है। सो अभी डोर का मुझे मेज बनाना है। सो डोर मेज तो तैयार हो गया है बट हम प्लेयर को जीतने के लिए एक ही फिक्स्ड एग्जिट नहीं बना सकते, नहीं तो प्लेयर एक टाइम के बाद आके हर एक मैच इजीली जीत जाएगा, बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सो दिस इज द फाइनल एग्जिट। सो जिनको अभी लग रहा है कि गेम में मल्टी एग्जिट्स होने वाले हैं तो उनको मैं एक चीज ही बोलना चाहूंगा, मोए मोए। जब भी लेवल स्टार्ट होगा तो इनमें से सिर्फ एक ही एग्जिट एक्टिव रहेगा, वो भी रैंडमली। प्लस जब भी लेवल स्टार्ट होगा तो इन रूम्स में से किसी एक का फ्लोर गायब हो जाएगा। इन शॉर्ट वी विल डाई फूल एंड मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी बनाया है जिसके बारे में भी कोई बात नहीं करेगा। एंड इस लेवल को क्लियर करने के लिए तुम्हें एग्जिट प्लेटफॉर्म के एकदम एंड में जाना होगा। आई नो कि तुम में से बहुत लोगों को इस चीज का आइडिया है बट कुछ चमड़े लोग है जिनके दिमाग में इतनी जल्दी बात नहीं जाने वाली। माना कि तुम मेरे गेम में फीचर्स को बग बोलते हो बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे गेम के रूल्स को भी बग बोल दो। तुम लोगों ने स्किविडी बूम बेबी में रिएक्टर के ब्लड फिलिंग के बारे में बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। अगर अगली बार ऐसा कुछ किया वो तो ठीक है भाई, बट आपने इसको क्यों पकड़ कर रखा है? ये उसी कमेंट्स के नीचे GTA 7 चिल्ला के स्पैम कर रहा था, दबोच लिया मैंने। अब खोल दो इसको भाई, अपने बोलेगा ये सही में। अरे वाह
वैसे हंस क्यों रहा है ये? दाग अच्छे है। So, हमारे नेक्स्ट लेवल है, नाम बताने से पहले मैं ये रेकमेंड करूंगा कि तुम अपने पास कुछ एक्स्ट्रा डायपर्स रख लो, बाद में ये मत बोलना कि मैंने वार नहीं किया। द लेवल नेम इज क्विज, अ मैथ क्विज बेबी। सो इस लेवल में तुम्हारे सामने मैथ के कुछ सवाल आएंगे एंड सवाल खत्म होते ही तुम्हें इन कार्ड्स में से सही आंसर का कार्ड ढूंढना होगा और ढूंढने के बाद उसको लॉक करना होगा एंड आंसर को लॉक करने के बाद तुम यहाँ पे मूव नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा आंसर सही रहा तो तुम क्वालिफाई हो जाओगे, बट अगर तुम्हारा आंसर गलत हुआ तो कांटे। एंड यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, जब आंसर रिवील होगा तब नेक्स्ट क्वेश्चन तक सभी प्लेयर्स की मूवमेंट फ्रीज हो जाएगी। सो हाँ, यू विल डाई। सो हमारे नेक्स्ट लेवल है रैंडम डोर्स, एंड ये लेवल दिखने में जितनी सिंपल है उतनी है नहीं, क्योंकि इन हर पांच डोर्स में से सिर्फ दो डोर्स ही सेफ है। आई नो कि तुम्हें पांचों के पांचों डोर सेफ लग रहे है, बट जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है मेरे दोस्त। सो यहाँ पे लेवल स्टार्ट होते ही किसी भी तीन दरवाजों में से कुछ दरवाजों की जमीन नीचे गिर जाएगी। तुम्हें पता नहीं है प्लेयर्स को ऐसे तड़पते हुए देखने में कितना मजा आता है। सो एज आई सेड, तीन डोर्स में से कुछ डोर्स कांटे वाले होंगे। सो इसका मतलब उन तीन डोर्स में से कुछ डोर्स बच गए, राइट? बट उन बचे हुए डोर्स में भी ट्रैप होगा, जिसके पास जाती है वो तुम्हें सीधे लेवल से बाहर फेंक देगा, द पंच मशीन। जैसे ही तुम्हें दरवाजा खोलोगे तो इस पंच मशीन से तुम्हारे दांत तोड़ दिए जाएंगे, सीधा पंच तुम्हारे मुंह पे। सो अपना फावड़ा संभाल के खेलना, एंड ये सब कुछ सिंगल प्लेयर में तो अच्छे से वर्क कर रहा है, लेट्स टेस्ट दिस विद मल्टीप्लेयर। ओके, हमारे गेम में सही से वर्क कर रहा है। ये तो मैंने प्रोग्राम नहीं किया बे। ओ भाई, ओ माने इंडिया हार गया वर्ल्ड कप में, इसका मतलब ये नहीं तू टप्पे खा के मेरा गेम छोड़ के ऑस्ट्रेलिया में चला जाए। भाई लगता है ये हेड के हेड पे टप्पा खा के ही वापस आएगा, लग तो यही रहा है। सो मैंने स्क्रिप्ट में थोड़े से चेंजेस किए एंड नाउ एवरीथिंग वर्क्स नाइस। सो मैंने चार लेवल्स बना तो ली है, बट इन चारों लेवल्स में प्लेयर खुद को बचा सकता है, सिंगल प्लेयर की यही खासियत है। बट ये एक मल्टीप्लेयर गेम है एंड इसमें मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इसीलिए मैंने प्लेयर को एक एबिलिटी दी है जिससे वो दूसरे प्लेयर्स की ऐसी की तैसी कर पाए। पुश एबिलिटी, कोई भी प्लेयर रोलर पे दिखे धक्का मार दो, डोर मेज में आखिरी दरवाजे में धक्का मार दो, रॉन्ग चॉइस में अगर प्लेयर दरवाजे के उस पार ना जाए और तुम्हारा टाइम वेस्ट करे धक्का मार दो। एंड मैंने एक सुसाइड बटन भी बनाया है, जो भी इस बटन को दबाएगा तो उसके कांटों की वजह से मृत्यु हो जाएगी। बट कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनका बाद में मूड बदल सकता है बटन ना दबाने का। सो ये थॉट उसके दिमाग में आने से पहले एक अच्छे दोस्त की तरह उसको धक्का मार दो। एंड मैंने प्लेयर्स को डिस्प्ले करने के लिए रूम सिस्टम भी बनाया है, जहां से तुम सभी प्लेयर्स को देख सको एंड अगर कोई शेमड़ा प्लेयर पसंद ना आए तो उसे किक कर सको। एंड ऑल्सो मैंने चैटिंग सिस्टम भी बनाया है ताकि तुम लोग चैट कर सको। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज, ये गेम दो वीडियोस में आएगी एंड ये वीडियो सिर्फ उसका पहला पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में इस गेम में और भी ज्यादा लेवल्स होंगी एंड उसमें हम इस गेम को कम्प्लीट करेंगे एंड रिलीज भी करेंगे। ये गेम फ्री टू प्ले होने वाला है, तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब करना, जो नहीं करेगा उसके कांटे पड़ेंगे। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में और भी अच्छी लेवल्स है तो वो भी कमेंट्स में बताना, अगर लेवल अच्छी हुई तो वो भी गेम में डाल देंगे। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।